हाँ जी, आज हम करेंगे हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में किया था कि हॉर्मोन्स किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ओजेनेसिस भी किस तरह से हॉर्मोन्स के थ्रू जो है कंट्रोल होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमें मालूम है, हर एक हॉर्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से ही ऑपरेट होता है। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया था। गोनेडोट्रोपिन मींस जो गोनेड्स पर जाकर एक्ट करेगा और उनको एक्टिवेट करेगा कि वो अपना हार्मोन जो है वो रिलीज करें। तो दिस इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है और कहाँ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होकर इस GnRH की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपने दो हॉर्मोन्स रिलीज करता है। एक हार्मोन है FSH और एक है LH। FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH is follicle stimulating hormone और LH है luteinizing hormone। follicle stimulating hormone जो है ये क्या करता है, ये enter करता है into the ovary। ओवरी के अंदर एंटर करके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर एंटर करता है और ओवरी के अंदर प्रेजेंट जो फॉलिकल्स हैं उन पर जाकर रिलीज करता है हार्मोन, दैट इज ईस्ट्रोजन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस ने GnRH भेजा हार्मोन एक पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होकर दो हॉर्मोन्स निकाल रहा है, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन और एक है ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन है वो क्या कर रहा है, वो ओवरी के अंदर जा रहा है और ओवरी के अंदर जाकर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, जो इसका काम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है यानी कि इनको एक्टिवेट कर रहा है कि तुम अपना हॉर्मोन रिलीज करो, कौन सा, ईस्ट्रोजन। ऐसे ही दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये भी ओवरी के अंदर ही जाता है और वहां जाकर ये एक्ट करता है। जब ये सर्ज हो जाता है, LH सर्ज, सर्ज का मतलब होता है पीक लेवल। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक लेवल पर होता है तो वो ओवरी में जाकर ओव्यूलेशन कराता है। इस पर बहुत MCQs आते हैं कि ओव्यूलेशन जो है वो कौन सा हार्मोन करवाता है, तो ओव्यूलेशन करवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब कराता है, जब वो सर्ज पर होता है। सर्ज मींस अपने पीक लेवल पर होता है, जितना मैक्सिमम वो जा सकता है उतने मैक्सिमम लेवल पर होता है, तो वो ओव्यूलेशन कराता है। अब ओव्यूलेशन के बाद हमें पता है जो ग्राफिन फॉलिकल है वो खाली रह जाता है और अगर ये जो ओव्यूलेशन हुई है यानी कि सेकेंडरी ओसाइट जो है वो रिलीज होकर कहां पर आया है, फेलोपियन ट्यूब में। अगर तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये फर्टिलाइज हो जाता है, स्पर्म इसको मिल जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी में गया, ओवरी में जाकर उसने सर्ज अपने आप को मैक्सिमम अमाउंट में बढ़ा लिया और ओव्यूलेशन करा दिया, मतलब ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करवा दिया। अब जो ये सेकेंडरी ओसाइट है ये वेट करेगा कि मैं किसी तरह से फर्टिलाइज हो जाऊं। तो जैसे ही स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज करता है, 24 घंटे तक ये वेट करता है, जैसे ही स्पर्म आकर इसको फर्टिलाइज करता है साथ के साथ ही वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ जायगोट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद क्या होता है, जो बचा हुआ फॉलिकल था जिसमें से सेकेंडरी ओसाइट तो बाहर निकल चुका है,
वो बचा हुआ फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? एक येलो कलर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर, येलो कलर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर का जो फ्लूइड था, जितने भी फॉलिकल के अंदर के सेल्स थे वो सब येलो कलर के एक फ्लूइड के अंदर बदल गए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये क्या कर रहा है, अभी अपना हार्मोन रिलीज कर रहा है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। तो इस तरह से फीमेल्स के दोनों सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, लेकिन बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती। ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक एक दूसरे को देता है। नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो बताती हूँ। नेगेटिव फीडबैक क्या है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वो जिस चीज से निकल रही है उसको पीछे एक मैसेज दे रही है कि बस करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोजेस्टेरोन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन को एक नेगेटिव फीडबैक देता है। मतलब जब प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर देता है ओवरी के अंदर, तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देता है। मतलब अगर प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम हो जाएगा। अब अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो गया तो उसकी वजह से ईस्ट्रोजन भी कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, नेगेटिव फीडबैक। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस मैम। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, अगर ये तो हम तब बात कर रहे हैं जब प्रेगनेंसी नहीं हुई, यानी कि जायगोट नहीं बना, लेकिन अगर जायगोट बन जाता है तब क्या होता है? जब जायगोट बन गया तो भी कॉर्पस ल्यूटियम ही बनेगा और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन ही सिक्रीट करेगा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। पूरे 9 मंथ्स तक कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज पड़ा रहेगा और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करना मतलब जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसके साइज को बढ़ाना, ताकि उसमें आकर ये जायगोट जो है अपने आप को फिक्स कर ले। ये हमारे पास एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम को आप ऐसे इमेजिन करो कि मिट्टी है। ये मिट्टी जितनी गहरी होगी तो रूट्स जो है प्लांट्स की उतनी ज्यादा नीचे डीप होंगी और उतना ज्यादा प्लांट जो है फॉर्मली वहां पर टिका रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही एंडोमेट्रियम भी सॉइल की तरह काम करता है। तो जितना ज्यादा ये डीप होगा, जितना ज्यादा थिक होगा एंडोमेट्रियम, जो जायगोट है उसको अपनी रूट्स अंदर फिक्स करने में, वहां पर फिट होने में उतना ही ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई एक नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, क्या होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है, फर्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में जाता है और ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनाने का काम करता है। नाम ही इसका ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, एक्टिवेट करना कि बनो। जब फॉलिकल्स बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो क्या सिक्रीट करते हैं, फीमेल का सेक्स हार्मोन, दैट इज ईस्ट्रोजन। ऐसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी ओवरी के अंदर जाता है और वहां जाकर उसका पीक लेवल आ जाता है। सर्ज मीन्स पीक लेवल, बहुत ज्यादा अमाउंट में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी के अंदर बढ़ जाता है और इस एलएच सर्ज की वजह से होती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होती है? ओव्यूलेशन का मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी ओसाइट का निकलकर बाहर आ जाना, और ये कब होगा? जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक लेवल पर होगा। तो ओव्यूलेशन हार्मोन कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ओव्यूलेशन हो जाती है फॉलिकल में से
सेकेंडरी ओसाइट निकल जाता है, तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसके पास अब दो कंडीशंस हैं। ये 24 घंटे तक ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो ओव्यूलेशन होकर सेकेंडरी ओसाइट निकला है, ये 24 आवर्स तक फिलोपियन ट्यूब में ही पड़ा रहता है, वेट करता है कि स्पर्म आएगा। अगर तो स्पर्म आ गया तो ये जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है, अगर स्पर्म नहीं आया तो ये सेकेंडरी ओसाइट वेस्ट हो जाता है। तो अगर तो ये जायगोट में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, बचा हुआ जो फॉलिकल था, ये सेकेंडरी ओसाइट तो बाहर आ गया, तो बचा हुआ जो फॉलिकल का जितने भी सेल्स थे वो एक येलो कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉर्पस। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम से ही निकलता है और इसी की वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। लेकिन अगर सेकेंडरी ओसाइट जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता, यानी कि उसको स्पर्म नहीं मिलता है, तो भी कॉर्पस ल्यूटियम ही बनता है और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, लेकिन एक लेवल तक आके प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देने का मतलब प्रोजेस्टेरॉन जो एक इंडिकेशन देता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब कम हो जाए। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हुआ तो ओवरी में फॉलिकल्स कम बनेंगे, और ओवरी में फॉलिकल्स कम बने तो ईस्ट्रोजन भी कम बनेगा, तो इस वजह से ईस्ट्रोजन के लेवल भी कम हो जाते हैं और फिर से एक नई तैयारी होती है एक नया सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करने की। इसमें एक चीज और है, जो ईस्ट्रोजन है वो दे रहा है पॉजिटिव फीडबैक। जब जब ईस्ट्रोजन रिलीज होता है उसकी अमाउंट बढ़ती है तो वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक मींस अपना काम और अच्छे से करो, यानी कि और ज्यादा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करो। जबकि प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर रहा है कि बस करो और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज मत करो। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक दोनों हार्मोन्स लगातार देते रहते हैं, लेकिन दो कंडीशंस हैं, प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं हुई है। प्रेगनेंसी हो गई है तो जायगोट जो है वो डेवलप उसको करने के लिए, उसको सही एनवायरमेंट देने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन पूरी प्रेगनेंसी में रिलीज होता रहता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो थोड़ा सा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होकर नेगेटिव फीडबैक में चला जाता है। तो इस तरह से ओजेनेसिस जो है उसका हॉर्मोनल कंट्रोल जो है वो होता है। हाँ जी, कोई डाउट इसमें, समझ आ गया सबको? यस मैम। तो एक बार फिर से ओजेनेसिस मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल सभी ने फिर मुझे इसके पीडीएफ बनाकर नहीं भेजे हैं। जब एक फीमेल बेबी अपने ही मदर के यूट्रस के अंदर होती है तो उसकी ओवरी के कुछ स्पेशल तरह के सेल्स, प्राइमोर्डियल सेल्स जो है वो ऊगोनिया बना देते हैं। कितने ऊगोनिया? 7 to 8 lakhs ऊगोनिया वो बना देते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये ऊगोनिया अब लगातार डिवाइड कर करके और ऊगोनिया ही बनाते रहते हैं। ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद जो ये ऊगोनिया है, इनमें से कुछ ऊगोनिया जो है वो और ऊगोनिया ही बनाते रहते हैं और कुछ एक जो है वो बहुत सारा फूड इकट्ठा करके ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करके क्या बन जाता है, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट जो अभी भी डिप्लॉयड है क्योंकि मियोसिस नहीं हुई। अब इस प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस होती है, अनइक्वल डिवीजन होती है और अनइक्वल डिवीजन से रिलीज होता है सेकेंडरी ओसाइट। डिवीजन होती है मियोसिस वन, लेकिन ये मियोसिस वन पूरी नहीं होती, सिर्फ प्रोफेज तक रुकी रहती है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद ये
पूरी होती है और सेकेंडरी ओसाइट तैयार हो जाता है. लेकिन सेकेंडरी ओसाइट उसके बाद अपनी मियोसिस टू स्टार्ट कर देता है लेकिन कंप्लीट नहीं करता. मियोसिस टू को भी अरेस्ट करके रहता है अप टू द स्टेज मेटाफेज. मियोसिस टू भी पूरी नहीं होती, मेटाफेज टू पर अटकी ही रहती है. और ये ऐसा ही रहता है एडल्टहुड तक, यानी कि प्यूबर्टी तक. जब तक वो फीमेल प्यूबर्टिक नहीं होती तब तक ये सेकेंडरी ओसाइट बनते रहते हैं. प्यूबर्टिक होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट में जैसे ही स्पर्म एंटर होता है तो इसकी जो मियोसिस है वो कंप्लीट हो जाती है और अब सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन ओवम और साथ में एक छोटा सेल और बनता है. इन दोनों सेल को हम बोलते हैं पोलर बॉडीज, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंड पोलर बॉडी. ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी ये डिवाइड नहीं करती, लेकिन कुछ एक ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं, कुछ एक ऐसे मैमल्स भी हैं जिनके अंदर ये पोलर बॉडीज भी फर्दर डिवाइड करती हैं. हमारे अंदर इसका कोई फंक्शन हमें नहीं पता है. ये पोलर बॉडीज जैसी फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे ही जायगोट बनता है तो ये खत्म हो जाती है और ओवम जब उसके अंदर स्पर्म आ गया तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ जायगोट. अब क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस हो गई थी तो ये क्या है, डिप्लॉयड, और ओवम भी क्या है, एक डिप्लॉयड ही स्ट्रक्चर है. पूरे प्रोसेस में ये थी मल्टीप्लीकेशन फेज और प्राइमरी ओसाइट का बनना क्या है, ग्रोथ फेज, और उसके बाद ओवम का बनना ये पूरा प्रोसेस क्या है, मैच्योरेशन फेज. तो ये तीन फेजेस में ओजेनेसिस जो है वो कंप्लीट होती है. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ओवम कैसा दिखता है हमें, ओवम जो कब बना, जब स्पर्म जो है वो एंटर कर गया इनटू द सेकेंडरी ओसाइट. अरविंद एनोटेशंस मत करें, आई कैन सी इट. ठीक है, इसके अंदर होगा ओवम का एक बड़ा सारा न्यूक्लियस, बहुत सारा रिजर्व फूड साइटोप्लाज्म के अंदर, ओवम के अंदर, ओवम के साइटोप्लाज्म में बहुत सारा रिजर्व फूड, और इसके अंदर होंगे थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि एनर्जी चाहिए. अब ये स्पर्म का न्यूक्लियस और ये ओवम का न्यूक्लियस दोनों मिलेंगे और उससे जायगोट बनेगा, फिर जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से एक नया इंडिविजुअल बनेगा. इस पूरे प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और वो सारी एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया. ओवम के बाहर की अगर हम लेयर्स देखें तो ये वाली जो लेयर है दिस इज जोना पेलुसिडा, जो कि पहले से ही सेकेंडरी ओसाइट में भी थी. यस, कोई कुछ पूछना चाहता है? वो लवनीत का मैसेज आ रहा था, वो कह रहा था क्लास ज्वाइन नहीं हो रही. लवनीत की, उसको एक बार फिर से ट्राई करें, मेरे पास शो ही नहीं हुआ. उसको एक बार फिर से ट्राई करें. ओके मैम. तो इसके बाहर की लेयर, फर्स्ट लेयर है इसकी अपनी जोना पेलुसिडा, ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट कलर से भी दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि ओवम जो है वो एक सेल है तो सेल की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी. अंदर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर जोना पेलुसिडा, और इसके सबसे बाहर जो एक लेयर आती है दैट इज किस तरह के सेल्स के साथ बनी हुई, जो कि टेढ़े मेढ़े लगे हुए हैं.
किस लेयर को बोलते हैं हम कोरोना रेडिएटर? कोरोना, कोरोना जो भी है इसका मतलब क्या है? कोरोना मींस क्राउन, मुकुट जो होता है, ताज जो होता है, जो राजा पहनते हैं। तो ये जो लेयर है ये कैसी दिखती है? मुकुट के जैसी, चारों तरफ ऐसे फैली हुई टेढ़ी मेढ़ी जैसे डिजाइंस बने हुए हैं इसके अंदर, ऐसी दिखती है, इसीलिए कोरोना। और रेडिएटर क्यों? क्योंकि जैसे सन की रेज होती है ऐसे ये रेडिएट हो रही है बाहर की ओर, इसीलिए इस लेयर का नाम क्या है? कोरोना रेडिएटर। ठीक है, अब ये कोरोना रेडिएटर ये कहाँ से आई, एक बार इसको हम देखते हैं। फिर से अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ग्राफियन फॉलिकल का, तो ये आपके पास ग्राफियन फॉलिकल था। ग्राफियन फॉलिकल कैसे बना था? इसके अंदर एक कैविटी खाली, जिसे हमने क्या नाम दिया था? एंट्रम। ठीक है, और इस एंट्रम के साथ यहां पर पड़ा है सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट के साथ यहां पर जो सेल्स की लेयर है, फर्स्ट लेयर दैट इज ग्रैनुलोजा, ये सारी यहां पर फर्स्ट लेयर थी ग्रैनुलोजा। और ग्रैनुलोजा लेयर के बाद दो लेयर्स थीका, किसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लो, थीका इंटरना और इसके बाहर थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। अब इसमें होता क्या है, जो ये सेकेंडरी ऊसाइट है ये यहाँ पड़ा है, ये ब्लैक जो मैंने बनाई है दिस इज जोना पेनिनसुला, इसमें लेयर बन गई। हमने ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर पहले डिस्कस किया हुआ है। ये पड़ा है सेकेंडरी ऊसाइट, मैंने आपको बताया कि ओवुलेशन होती है। ठीक है, ओवुलेशन हुई और सेकेंडरी ऊसाइट बाहर आया, किसमें से? ग्राफियन फॉलिकल में से। तो ग्राफियन फॉलिकल में से जब ये बाहर, यूं खींच के सोचो, ये बाहर जब आएगा तो ये जो ग्रैनुलोजा ब्राउन कलर से जो मैंने बनाए हैं, ये सेल्स कुछ इसके साथ चिपके हुए रह जाते हैं। जैसे कोई चीज चिपकी हुई है और उसको खींच के उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि पूरे के पूरे ग्रैनुलोजा होंगे, कुछ एक सेल्स खींच कर उसके साथ आ जाएंगे। तो ये कोरोना रेडिएटर और कुछ नहीं है, ये ग्रैनुलोजा सेल्स थे जो कि खींचे गए, इसलिए उनकी शेप टेढ़ी मेढ़ी हो गई और उन्होंने क्राउन जैसी कोरोना शेप बना ली। कैसे बना ली? क्योंकि जब सेकेंडरी ऊसाइट इसमें से बाहर निकला, इसको जब यहां से स्ट्रेच करके बाहर निकाला गया, पुल करके निकाला गया, तो इसके बाहर जो भी ये ग्रैनुलोजा जो सेल्स लगे हुए थे ये यूं खींचे गए और खींचने की वजह से ये टेढ़े मेढ़े हो गए और टेढ़े मेढ़े होने की वजह से इन्होंने क्राउन जैसी एक शेप ले ली। तो ये लेयर बन गई कोरोना रेडिएटर ओवम की। ये ओवम कब है? जब ये स्पर्म यहाँ पर एंटर होने की कोशिश इसने स्टार्ट कर दी, जैसे ही कोरोना रेडिएटर से टच हुआ, साथ के साथ सेकेंडरी ऊसाइट, अब सेकेंडरी ऊसाइट नहीं रहा और वो क्या बन गया, अपनी डिवीजन पूरी करके ये बन गया है एक ओवम। तो ओवम की लेयर सबसे बाहर वाली कोरोना रेडिएटर, उसके अंदर वाली लेयर जोना पेलुसिडा, जो पहले से ही इसके बाहर थी ही, सेकेंडरी ऊसाइट के बाहर थी ही। उसके बाद अगली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एक सेल है तो अपनी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये लेयर्स होती हैं सारी एक ओवम की। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम देखें तो इस तरह के छोटे छोटे कुछ ग्रैन्यूल्स भी नजर आते हैं। ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे से दाने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
पास में लगे हुए होते हैं इन द ओवम। ये ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। इनका क्या काम होता है ये हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ओवम कैसे बना, जब सेकेंडरी ओसाइट ग्राफियन फॉलिकल में से, ये सारा ग्राफियन फॉलिकल है, ऑरेंज कलर का सेकेंडरी ओसाइट है, जब ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी ओसाइट खींच कर बाहर निकलता है तो ग्राफियन फॉलिकल के कुछ ग्रैनुलोजा सेल्स को अपने साथ चिपका हुआ ही ले आता है एज इट इज। और जैसे ही इस सेकेंडरी ओसाइट के अंदर ये स्पर्म एंटर हो गया तो ये ओवम बन जाता है। इसमें अलग अलग लेयर्स बन जाती है। कैसे, सबसे बाहर जो ग्रैनुलोजा लेयर थे वो खींचे हुए टेढ़े मेढ़े अलग तरह की शेप बनाते हैं और ऐसे लगता है कि एक क्राउन है जिसमें से सेल्स रेडिएट हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। दूसरी लेयर जो है, ये फर्स्ट लेयर होगी कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर दूसरी हार्ड एक लेयर होती है जोना पेलुसिडा, जो ऑलरेडी इस ग्राफिन फॉलिकल में भी सेकेंडरी ओसाइट के बाहर थी ही थी। तीसरी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और फोर्थ उसके अंदर एक कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स उसके आसपास सारे बिछे हुए होते हैं। अंदर होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो स्पर्म है इसको कौन कौन सी लेयर से होकर गुजरना है, जब स्पर्म एंटर करेगा इनटू एन सेकेंडरी ओसाइट तो सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में, तो स्पर्म को ओवम की कौन कौन सी लेयर से होकर गुजरना है। सबसे पहले स्पर्म जो है वो रप्चर करेगा कौन सी लेयर, या पेनिट्रेट करेगा कोरोना रेडिएटा को, कोरोना रेडिएटा में पेनिट्रेट करेगा क्योंकि इसके बीच में ये टेढ़े मेढ़े सेल्स लगे हैं, यहां से कहीं से ये एंटर करने की कोशिश करेगा। दूसरी लेयर जो उसको तोड़नी पड़ेगी दैट इज जोना पेलुसिडा। हालांकि जोना पेलुसिडा पूरी इंटैक्ट रहती है, काफी टाइम के बाद जाकर टूटती है ये, जहां से स्पर्म ने एंटर करना है बिल्कुल उतनी जगह से ही ये टूटती है, बाकी सारी एज इट इज रहती है। ये प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में जाकर फिर जाकर ये पूरी की पूरी खत्म होती है। तीसरी लेयर जो स्पर्म को एंटर करनी है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का सामना करना है। तो ये फोर लेयर्स को तोड़कर स्पर्म को जो है ओवम के अंदर एंटर करना होता है, ठीक है। उसके बाद का सारा काम ओवम का है। जब ये स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आ गया तो ये जायगोट बन गया और फिर ये जायगोट लगातार डिवाइड करेगा। ये सब आपके सिलेबस में है, सब आपको करवाया जाएगा। आज के लिए स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड हमने जो स्टार्टिंग में किया था हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ ओजेनेसिस, ये दोनों ही टॉपिक्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मिलती है कौन सी पार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और किस हार्मोन से, स्पेशली एलएक्स सर्ज, इसके बारे में सीबीएसई थ्योरी में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और नीट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलएक्स सर्ज से क्या होता है ओव्यूलेशन, और नेगेटिव फीडबैक कौन देता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, पॉजिटिव फीडबैक कौन देता है एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रेगनेंसी होती है तो क्या कॉर्पस ल्यूटियम होता है, बिल्कुल होता है, पूरी प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है और लगातार प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता तो तब भी है, प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन एक नेगेटिव फीडबैक देकर एस्ट्रोजन की भी वैल्यू को कम कर देता है और खुद भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन हॉर्मोन्स की अलग अलग स्टेजेस में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इनफ है। ओके मैम।